जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 12 का आगाज किया हुआ है, उसमें बेस कैटालाइज रिएक्शन का आज आखिरी रिएक्शन जो मैकेनिज्म बेस्ड है वो हम करेंगे, दैट इज नोन एज केनी जेरोज रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था, आज हम केनी जेरोज रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट। केनी जेरोज रिएक्शन, अब ये केनी जेरो रिएक्शन क्या है, किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें अंदर क्या स्पेक्स हैं, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कौन से कंपाउंड देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें इसमें सीखनी है। हम कहते हैं आर डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को पता क्या कहते हैं, सेल्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसमें जो कंपाउंड रिएक्टेंट है वो अपनी ऑक्सीडेशन भी करता है और अपनी ही रिडक्शन करता है, कोई साथ वाला आगे नहीं करता। सही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर सॉल्ट फॉर्म एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड टू गिव अल्कोहल व्हेन दे आर रिएक्टेड विथ 50% NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड केनी जेरोस रिएक्शन, उसे हम लोग केनी जेरोस रिएक्शन बोलते हैं। अब ये चीजें हमने लिखी, उसे देखिएगा जरा, यहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड के कीटोन को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। इसका मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड को दो चीजों में कन्वर्ट कर रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक अल्कोहल में, और कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साल्ट की फॉर्म में निकलेगा क्योंकि बेस मौजूद है, 50% NaH मौजूद है, जब 50% NaH मौजूद है तो वो एसिड एसिड नहीं रहेगा, वो बेस के साथ एड करके क्या बना लेगा, साल्ट की फॉर्म बना लेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना, साथ वाला ऑक्सीडाइज नहीं होना, वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कि किस्म का कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केनी जेरोस रिएक्शन। अच्छा, अब जो इसमें हम लोग कहते हैं कि नेसेसरी चीज है, ठीक है, नेसेसरी चीज है, वो जरा सुनिएगा, कंडीशन क्या है इसमें, ओनली
दोज कार्बोनाइल कंपाउंड गिव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विच हैव नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें क्या नहीं होता, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ गई? देखो आपको एल्डोल कंडेंसेशन में याद हो मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए जो कि प्रोटिक हाइड्रोजन होती है, कोई भी बेस आकर उसे अटैक करे तो उसे न्यूक्लियोफाइल बना देती है, जब वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है तो वो सिंपल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देता है। लेकिन यहां पे अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाएगा, ठीक है, बजाय बेस जो न्यूक्लियोफाइल बनाती है वो खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देती है, सही, और फिर उसकी एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है और एक की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो इसलिए हम लोग एक आध एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे है और इसमें क्या लॉजिक्स हैं। मसलन आपके पास है जी ये एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड्स हैं, आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, एनएच के साथ, एक इसी से बनेगा एसिड, ये क्या बनेगा एसिड सीओओएच, वो सीओओ के साथ एनए आ जाएगा क्योंकि इसमें बेसिक सॉल्यूशन मौजूद है और साथ में एक कार्बन वाली एल्कोहल CH3OH, क्योंकि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये एक कार्बन वाली ही क्या लेंगे हम लोग, अल्कोहल लेंगे, सही हो गया। अब सुनिएगा यहां पे देखो, ये यहां से कन्वर्ट हुआ किसमें, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिड में, एसिड के साल्ट में, इसका मतलब इसकी क्या हुई है यहां पे ऑक्सीडेशन, और यही एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में, और अल्कोहल की फॉर्म में जाने के लिए इसे क्या करना पड़ता है, रिड्यूस, यानी कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन, यानी कि वहां एल्डिहाइड ही है, एक ही कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उस रिडॉक्स रिएक्शन को जिद्दत में आके क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट की क्या हो, रिडक्शन हो। जैसे अगर मैं यूं कहूं हियर इज अ बेंजल्डिहाइड, एक बनेगा बेंजोइक एसिड का साल्ट COONa और एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, एक क्या बनी, बेंजाइल अल्कोहल, सही है। तो ये सोडियम बेंजोएट और ये वाला बेंजाइल अल्कोहल, लास्ट वाले क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे, ठीक है जी। अब ये था हमारे पास केनिज़ेरोस रिएक्शन के बारे में इंट्रो। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं कि ये होता कैसे है, तो हम लोग इसका करेंगे मैकेनिज्म, क्या करेंगे जी, मैकेनिज्म, ठीक हो गया। अब सुनिएगा, इसमें सबसे पहले अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनाइल, ये कैसे करता है, अब सुनिएगा, बेस
नो अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड लाइक फॉर्मल्डिहाइड, हेंस ओएच अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल टू गिव एनायन। वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है हाइड्रोक्सल के ऊपर अपना अल्डिहाइड के ऊपर जो है अटैक होना है फॉर्मल्डिहाइड जैसे क्या है, हमने कहा है कि इसके पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो जो ओएच है अब ये बेस तो रहेगी नहीं, क्योंकि बेस तो कहते हैं इसे तब है जब इसे क्या मिले, एच मिले। तो एच तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो देखिए कैसे अटैक होता है। ये बेस है, ठीक है, सिंपल सा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और तो कोई पॉजिटिव सेंटर था नहीं, तो ये अटैक करेगा किधर, इस कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फिर क्या बना यहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर सर नेगेटिव, ब्लड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, सही हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और यहां पे जो दूसरा है जी, देखिएगा यहां पे जब ऑक्सीजन का नेगेटिव जा रहा है तो ये आयन जो है वो क्या कहलाएगा, केटायन या एनायन, डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल टर्म्ड एज दिस एनायन, और इस एनायन को हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी नेगेटिव चार्ज है, कहीं इधर भी नेगेटिव है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम प्रोबेबली कौन सा बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला बनाते हैं, रिवर्सिबल बनाते हैं। दूसरा है जनरेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्राइड आयन, एच नेगेटिव आयन। तो सुनिएगा, द कॉम्प्लेक्स एन आयन फॉर्म इज रीअरेंज्ड, ये रीअरेंज होता है टू लिबरेट हाइड्राइड आयन। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा ये हम आगे देखते हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास ये ओएच है, अब इसने क्या होना है, रीअरेंज होना है। किस तरह रीअरेंज होना है जरा देखिएगा, ये नेगेटिव है ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाना है, कार्बन आपको पता है चार बॉन्ड बनाता है, पांचवा बना नहीं सकता, जब पांच बनाएगा तो चौथा तोड़ेगा, तो तोड़ेगा कहां से, इन तीनों में से कोई, ये वाला तो टूट नहीं सकता क्योंकि ये वाला अभी भी तो लगा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी है, और इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एच। तो यहां से ये एच निकलता है, क्या निकलता है, एच निकलता है। जब ये एच निकलेगा तो डेफिनेटली एच इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है, तो चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव आएगा ना, तो इसलिए देखिएगा यहां पे बना क्या, ये एच नेगेटिव बन गया, ठीक है। इस एच नेगेटिव को हम लोग क्या इसमें ग्रामीण बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, क्या बोलते हैं कि हाइड्राइड आयन,
आखिरी सेकंड लास्ट, अटैक ऑफ हाइड्राइड या अटैक ऑफ हाइड्राइड ऑन कार्बोनाइल। अब ये कार्बोनाइल पे अटैक करके नया चंद चढ़ाएगा जिसे हम लोग कहेंगे, तो ये अब देखिएगा सुनिएगा, एच टेक नेगेटिव आयन इज अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, हेंस अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड टू रिड्यूस इट इनटू अल्क ऑक्साइड आयन, इसकी रिडक्शन कर देता है अल्क ऑक्साइड आयन में, यानी कि ये जो एच नेगेटिव है ये जो अभी अभी बना है ये जो उसके साथ मौजूद कार्बन आयन है उसके साथ हेलोहाई करना चाहेगा। कैसे देखिएगा, ये एच नेगेटिव आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया और इसके ऊपर चार कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, ओ नेगेटिव एच और एच, एक कार्बन वाला अल्क ऑक्साइड क्या कहलाता है, मेथॉक्साइड, ठीक है। अब यहां पर भी ये रिवर्सिबल होगा, उसकी वजह मैंने बता दी कि इधर भी आयन बन रहा है और लेफ्ट साइड पर भी क्या है, आयन है, तो दोनों साइडों पे अनस्टेबिलिटी की वजह से रिएक्शन क्या बनाना पड़ता है, हमें रिवर्सिबल बनाना पड़ता है। ठीक हो गया, अब ये इसके तीन स्टेप हो गए मैकेनिज्म के। अब इससे नेक्स्ट इसके दो फर्दर स्टेप्स हैं जिसे हमने फाइनलाइज करना है इसे। अब उसमें जो हमारे पास ये वाला बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथॉक्साइड, और मेथॉक्साइड बेस है, मेथॉक्साइड क्या है, बेस। ये जो बेस है ये यहां पे जो एसिड बना है इसका नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड। तो इसके पास एच तो नहीं रहने देगी, वैसे भी सिस्टम के अंदर अल्कली है तो उसे एच को जिंदा नहीं रहने देगी, इसे एच को क्विंच कर लेगी। तो एच को क्विंच करने का तरीका, ये बेस पहले तो सबसे पहले ये अटैक करेगी ना, क्योंकि अभी NaOH की तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही अपना काम तमाम कर चुकी होगी। तो सुनिएगा, अटैक ऑफ अल्क ऑक्साइड आयन लिख लो या बेस लिख लो, जो मर्जी लिख लो चलेगा। सुनिएगा, मेथॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस विच टेक प्रोटॉन फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड से प्रोटॉन लेती है एंड फॉर्म मीथानॉल, यानी कि खुद किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन बेस नहीं है। तो इसमें स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे, तो जब भी स्टेबिलिटी की तरफ आए या अपना जिधर भी इस तरह की स्टेबिलिटी अचीव करें तो उधर इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं। तो देखिएगा, आपके पास था मेथॉक्साइड आयन और आपके पास है फॉर्मिक एसिड, आपके पास क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव तो ऑलरेडी होता है, प्रोटॉन दूंगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, एच लेगा यहां से, जब ये एच लेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहां पे हजरत बनेगा क्या, ये CH3OH और साथ में
लो फॉर्मेट आयन। तो यहां पे हमारे पास फाइनल एक प्रोडक्ट हासिल होगी अल्कोहल की फॉर्म में, दैट इज नोन एज मिथानॉल। और मिथानॉल वीक एसिड होती है, इस वजह से इसको दोबारा ये एच नहीं देती, स्टेबल होता है, और ये फॉर्मेट आयन है। अब ये फॉर्मेट आयन है, ये तो अपने आप को स्टेबल करेगा ना, यानी कि आखिर में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट क्या है, आसान है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट हम सजेस्ट करते हैं वो सबसे बेहतरीन है, साल्ट का बनना। अभी देख लेते हैं कैसे। देखिए फॉर्मेट आयन रिएक्ट विथ, फॉर्मेट आयन ये वाला रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट साल्ट एंड बेस, यानी कि OH इज री जनरेटेड, वो दोबारा पैदा हो जाती है। कैसे वो भी देख लेते हैं। ये वो तो ऊपर नेगेटिव, ये प्लस वाला, ये नेगेटिव वाला, ठीक है। अब होगा क्या, ये ओ नेगेटिव इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो यानी कि ओ नेगेटिव और एनए लेकर ये साल्ट बना के प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे, ये एक्वस मीडियम में आ गए, अपना वेपोरेशन करके उसे अलग कर सकते हैं, और ये ओ एच नेगेटिव हमें दोबारा से हासिल हो गई। ये जो ओ एच नेगेटिव है ये तो बेस है, ठीक है, तो इधर भी स्टार्ट में भी बेस थी, लेकिन इधर जो बेस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करने लग गई, क्यों, इसे एच प्लस नहीं मिला, तो ओ एच नेगेटिव आया है, ओ एच नेगेटिव निकल गया, तो इसलिए हमसे क्या कहते हैं, ये कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट, इसीलिए तो बेस कैटलाइजेशन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। तो यहां तक आपका रेलेवेंट मैकेनिज्म ऑफ कैनिसेरोज रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन कौन से कैनिसेरो रिएक्शन देते हैं और कौन कौन से एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, सारी बात है, जो एल्डोल देंगे वो कैनिडेरो नहीं देंगे, जो कैनिडेरो देंगे वो एल्डोल नहीं देंगे। अब देखिए एक तो ये हो गया, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। फिर देखते रहे जरा एग्जाम्पल समझे ताकि आप लोगों को समझ आए। अब जरा सुनिएगा, ये जो बेंजीन का ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, इसमें तो अल्फा कार्बन ही कोई नहीं है ना, इसलिए ये तो देखा ही नहीं, ये वाला अल्फा कार्बन है। अब मुझे बताओ इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार तो चार इसने बॉन्ड बनाए हुए, तो इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए टाइम फोकट में जाया करने का फायदा कोई नहीं, हमें क्या कहना है, इसलिए भी एल्डोल कंडेंसेशन है, सॉरी कैनिडेरो रिएक्शन है, नहीं देता अल्डो अपना जो है वो। नेक्स्ट देखें, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, कैनिडेरो रिएक्शन देता है। अगला कौन सा कैनिडेरो रिएक्शन देता है, देखिएगा मैं एक और कार्बोनाइल कंपाउंड बना दिया है, ये एल्डिहाइड है, फिर से देखें, हियर इज अ अल्फा कार्बन, हियर इज अ अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन के पास, क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नजर आ रही है आपको, नहीं नजर आ रही, सही है। तो जब यहां पे कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये भी कैनिडेरो रिएक्शन है देगा। कोई और मैं एक ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स जो है वो आती हो। अब देखिएगा ये वाला एल्डिहाइड है, अतरा चेक करो, ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, इस वजह से ये एल्डोल नहीं देगा, ये कौन सा देगा, कैनिडेरो रिएक्शन देगा। तो यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कहते हैं आल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, कि नहीं किसी में से भी किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम कहते हैं ये सारे के सारे एंडोल कंडेंसेशन नहीं देते, और कौन सा रिएक्शन देते हैं, केनी जैरो रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एंडोल कंडेंसेशन के लिए शर्त मुतय्यन है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना फर्ज एन है। अब ये वाली एग्जांपल होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, या ये वाली होगी, या फिर इसी तरह कीटोन हो गए, जैसे डाइफिनाइल कीटोन है, ठीक है, जैसे मतलब ये कर लो आप, और कोई एग्जाम्पल करनी हो तो आप ये कर सकते हैं, यहां पर भी बेंजीनिंग लगा दें, यहां पर भी बेंजीनिंग लगा दें, ये भी ये रिएक्शन देगी, जो इधर ग्रुप लगा हो इधर भी लगा दो वो भी वही रिएक्शन देगी, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन भी कहने जा रहा रिएक्शन, क्योंकि मैंने यहां पे टर्मिनोलॉजी हमेशा क्या यूज की है कि कार्बोनिल कंपाउंड, क्या यूज की है, कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन जो सा मर्जी होगा, ठीक हो गया। तो यहां तक था हमारे पास ऑल अबाउट कैनिजेरोस रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, जिसमें एक ही कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड बन जाता है, एसिड जिंदा नहीं रहता बेसिक मीडियम में, साल्ट बना देता है, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया, दैट वॉज ऑल अबाउट कैनिजेरोस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 12, बेस कैटलाइज रिएक्शन, तकरीबन मैकेनिज्म बेस वाले कंप्लीट हो गए, तो कल से हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करने के बाद एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। लॉबी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा, जजाकअल्लाह।